मैं टाइम कर रहा हूँ, 15 मिनट ले लूंगा आपसे। दे ठीक है, एक एक दो तीन पॉइंट्स आपको एक तो एक छोटा सा एक प्रेजेंटेशन भी दे दूंगा जी जरूर, ताकि यू नो काफी कुछ करना है पर ए नहीं बोलना ठीक नहीं कि कुछ किया नहीं। मैं वही एक थोड़ा सा निवेदन है कि जब हम बात करते हैं जोश में आकर बोलते कुछ किया नहीं, तो मेरे विनम्र सबमिशन है कि कुछ काम तो किया है। मैं वो उसको थोड़ा दिखा दूंगा आपको, जो वो कुछ करना है वो बाकी मैं मानता हूँ बहुत सारी चीजें हैं बात कुछ कर रही, इसलिए मैं 10-7 मिनट का एक स्मॉल प्रेजेंटेशन दे दूंगा ताकि जो आप लोग है वो भी एक कुछ तो लेके जाएंगे कि कुछ काम हो रहा है। क्योंकि कई लोगों से आया कुछ आप लोग का देखा नहीं होगा और मैं हर चीज का थोड़ा जितना हो सकता है जवाब भी दे दूंगा। और मैं अपना टाइमर भी लेके जाता हूँ, ज्यादा आपके खाने के बीच में नहीं आऊंगा। नहीं, हमें खाने की देर नहीं है, हमें कुलपति जी की देर का जरा दिखा है, हमने जो उनको कमिट किया वो टाइम का जरा। मैडम यू आर राइट, यू डोंट कम डाउन दिस वी लाइक दैट बिकॉज़ आई थॉट जो लोग हैं से कई राज्यों से आए उनको तो कुछ तो पता होना चाहिए कि किस कहां पे और श्योर श्योर एंड मैं बहुत जल्दी जाऊंगा। एंड ये चित्र नहीं है, ये एक्चुअली फोटोज है, तो मैं अपने सर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग पीपल शुड नो, एक्जेक्टली दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड व्हाट पीपल वांट्स आल्सो यू शुड नो। यस यस दैट इज आल्सो देयर एनी व्हाट वे दैट आई थिंक एक्जेक्टली तो पिछले 2 घंटे वही सुना। आपको जो कितने सब लोग कहने को देखा है पानी इकट्ठा करता है और 26% ऑफ इंडिया लैंड मास है, आप देखे इतना बड़ा कंजर्वेशन है आपका कलकत्ता टाउन है, देख लीजिए मैडम आपका कलकत्ता हुली एकदम नीचे है और ऊपर गंगा गंगोत्री से ऑलमोस्ट मेन गंगा 5 स्टेट से गुजरते हैं और बाकी 11 स्टेट से हमारे इसमें है। तो दिस इज दी आंकड़े, कभी कभी हमको आंकड़े भी बताना पड़ता है, तकरीबन 30,000 करोड़ का सैंक्शन में काम हो रहा है 364 प्रोजेक्ट से। ये जैसे मैंने बताया वो पहले गंगा एक्शन प्लान 1-2-3 करके अभी 2015 में नमामि गंगे हुआ, उससे पहले गंगा एक्शन प्लान था ऐसा कुछ हुआ था। इस दौरान में 1985 to 2015 तक 4,000 करोड़ का काम हुआ था और 19 से बाकी जो 5 साल में 30,000 करोड़ का काम हुआ था। ये इसमें जैसे गंगा जी में क्या करना है, सबके सबको कुछ ना कुछ एक सबके साथ सलाह है, वो ब्लाइंड मैन एंड एलिफेंट बोलते हैं ना, हाथी को अगर अंधा टच करेंगे तो किसी को पूछ पकड़ते वो बोले कि हाथी सांप जैसा है, हाथी के कान को ही पकड़ेगा बोले कि ये तो ये एक सा फ्लैट है, कोई उनका पैर पकड़ेगा तो बोले कि ये तो एक पिलर जैसा है, तो पूरे हाथी का चित्र नहीं मिलता है। इसलिए हमने क्या किया उस समय इंडिया के सबसे विद्वान 7 IITs को एक कंसोर्शियम बना के उसको गंगा रिवर बेसिक मैनेजमेंट प्लान बनाने के लिए बताया था, उसने स्टडी करके हमको बताया था।
उसपे हमने जैसे मैंने कहा चार मेन पिलर अग्रवाल धारा सर भाई साहब बता रहा था पानी कंटिन्यूस फ्लो होना चाहिए, हमेशा पानी रहना चाहिए। अब दूसरा था निर्मल धारा मतलब अच्छा पानी होना चाहिए। अब उसके जितने भी भूशास्त्र जितने भी जॉलॉजी की दिल्ली थी उसी को करना है, इकोलॉजी भी सस्टेन करना चाहिए। दिस इज सब थोड़ा अंग्रेज दिए थोड़े छोटी जी, इसमें चार लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एक को नेशनल गैदर काउंसिल है उसका नेतृत्व प्रधानमंत्री खुद करते हैं। तो प्रधानमंत्री जी को ये नया एक सिस्टम है 2015 के बाद जब प्रधानमंत्री जी मोदी जी तभी बनाया इसको। इसमें नेशनल गंगा काउंसिल में देश के 5 मुख्यमंत्री और 10 मिनिस्टर्स और कई बड़े लोग हैं, बड़े हस्ती है। इसके बड़ा बड़ा एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। इसके नीचे एक इम्पोर्ट टास्क फोर्स है जिसमें मंत्री चेयर करते हैं। इसके नीचे नमामि गंगा है जो मैं हेड करता हूँ, मैं उसका प्रधान सेवक हूँ। जैसे प्रधानमंत्री इसका गंगा का चीफ क्लीनर अभी जिम्मेदारी ताकि वो कंपनी उसका उसको बनाए और चलाए 15 साल। फिर अफॉरेस्टेशन का है, डेटा ड्रिवन सब सब थोड़ा बहुत अंग्रेजी छोटी चीज को। हाँ, ये चार पिलर है, निर्मल गंगा, अविराल गंगा, जन गंगा और ज्ञान गंगा। एक इसमें निर्मल गंगा आप सब जानते हैं कि वहाँ पे गंगा में तकरीबन 100 टाउन्स हैं जिसमें से गंदा पानी सीधा गंगा में आता है। वो हमने 700 ड्रेन्स ऐसे ड्रेन्स को आइडेंटिफाई करके इसमें जाली लगा हुआ है। बिहार में सब जगह पे मैंने देखा कि ये जाली लगा के उसमें जो सॉलिड वेस्ट आता है उसी को रोकने की कोशिश की है। देखिए इसमें आप एक एक चीज आपको समझना चाहिए, उंगली उठाना ठीक है बट एक गंदगी कौन करते हैं आप वो भी आपको समझना है। गंदगी कौन करते हैं, गंदगी वो गंगा में अगर कोई कचरा डाले वो ना कि सरकार साफ करे, ऐसा नहीं हो सकता। तो हम सबका जिम्मेदारी बनता है हम कोशिश रोकने की कोशिश करें। तो 700 ऐसे ड्रेन्स को आइडेंटिफाई करके उस पर जाली लगाया है कि एक सॉलिड मटेरियल्स अंदर ना आए। आप उत्तर प्रदेश में आपको कानपुर से आने वाले को आपको फायदा होगा, वहाँ पे टैंगरी से मतलब लदर का काम चमड़ा का काम होता है, बहुत गंदा पानी चमड़ा उसी वहाँ से गंगा में गिरते थे। तो वहाँ पे प्रॉब्लम था कि एक एक आजीविका का इश्यू है, लाइवलीहुड इश्यू है, उसको बंद करना मुश्किल था। तो वहाँ पे एक शीशामऊ नाला है, शीशामऊ नाला में 14 करोड़ लीटर आप बोलते ना एक बॉटल में 1 लीटर पानी होता है, 14 करोड़ लीटर का गंदा पानी रोज गिरता था। देखिए 14 करोड़ लीटर रोज गंगा में गंगा जी में गिरता था। वो पूरा काला पानी उसका मतलब 1 किलोमीटर दूर से हम सूंघ के बता सकते हैं कि वो कानपुर आ गया, उतना गंदा था। 2019 में जब हमारा मीटिंग हुआ था प्रधानमंत्री खुद आए थे कानपुर में, उन्होंने 6 बजे मैंने पहला की मीटिंग हम कानपुर में कराएंगे ताकि हम पर प्रेशर पड़े कि वो गंदा साफ करें। तो मीटिंग नॉर्मली क्या होता है, गंगा काउंसिल की मीटिंग प्रधानमंत्री की मीटिंग कहाँ होता है, दिल्ली में होता है। इन्होंने क्या किया, मेरा मीटिंग हम कानपुर में करेंगे, तुम जाके करो जो भी सर बोलो, हम मैं दिसंबर को आ जाऊंगा, तुम्हारा वहां पे होना चाहिए। तो उसने वो शीशामऊ नाला हमने बंद किया, वहां पे अभी एक भी गंदा पानी नहीं निकल रहा है, उसको ट्रीटमेंट करके जा रहा है। तो वो निर्मल धारा की बात है, अविराल धारा की बात क्या है, पानी कम से कम होना चाहिए। ये पानी हम कहाँ किसके लिए लेते हैं, ज्यादातर पानी हम इरिगेशन सिंचाई के लिए लेते हैं। देखो ये तीन हरिद्वार के नीचे और हमारा
नरोरो के आसपास हमारा गंगा किनारा है, वो गंगा से पानी हम सिंचाई के लिए बहुत सारा पानी लेके जाते हैं। इसके वजह से आपकी गंगा में पानी कम बहता है। तो इसलिए अब जैसे मैंने अर्थगंगा की बात की, हम ऐसे क्रॉप्स को बढ़ावा देता हूँ जिसमें पानी कम से कम इस्तेमाल करें। देखो तो पानी अगर कम इस्तेमाल करें ताकि यहाँ से जो पानी है हम इसमें वेस्ट ना करें। हमारे किसान भाई 30,000 लीटर लेके 1 किलो पानी उगाता है, जब अमेरिका और अन्य देशों के किसान भाई 700 लीटर का पानी यूज करते हैं। देखिए फर्क, 3,000 लीटर 1 किलो पानी चावल के लिए जब हम यूज करते हैं, वहाँ के किसान भाई 400-800 लीटर में वही काम करते हैं। और उनका प्रोडक्टिविटी जो बोलता है एक हेक्टर से कितना उपजा आता है वो हमसे बहुत ज्यादा नहीं है। मतलब पानी कम इस्तेमाल करके वो ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं। ये आपका जो अर्थगंगा का जो बात करते हैं उसी में हम इसी को जोड़ के लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सिंचाई में पानी कम यूज करें और अच्छा ट्रेडिशनल करें। तो वो अग्रा धारा इसके लिए, और जनगंगा लोगों को लोगों से मिलकर करना है, और ज्ञान गंगा जो हमने जितने भी अभियान से डिस्कस कर रहे हैं ये सबको इकट्ठा करके एक जगह हम रखेंगे। बेस्ट प्रैक्टिसेस जो बोलते हैं वो सब राजेंद्र भाई सब कई प्रयोग किए थे, उस प्रयोग को एक जगह लगा के सबको बताना है, ये सब बेस्ट प्रैक्टिसेस को दिखाना है, ये सब हम कोशिश कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा अभी आगे जाऊँगा फोटोज के लिए। तो ये जैसे बोला सूर्य स्ट्रक्चर 160 STPs बनाए थे, उसमें से 80 कंप्लीट हुए, कुछ काम 80 अभी बाकी है। तकरीबन 3,000 मिलियन लीटर्स का गंदगी जो आने से रोका है हमने। 3,000 मिलियन लीटर मतलब मिलियन मतलब 10 से 6 होता है, क्या कितना होता है 22,000 करोड़ 2,000 करोड़ लीटर का भी किया है, धोबी का डेवलप किया है, क्रिमेशन ग्राउंड तो कई जगह पे गए थे, बॉडीज को बर्न करके गंगा में भेज देते हैं, उसी को बंद करने के लिए हमने क्रिमेटेरियम बनाया, अब अफॉरेस्टेशन किया मतलब पेड़ पौधे लगाए। मैं जल्दी जाऊंगा तो ये दो नोटिफिकेशन ठीक है। तो ए है आपका जो हुआ है 2015 में कई जगह पे हमारा पानी गंदा थे, अभी 2021 में वो एक ही जगह पे कैटेगरी 5 में है, मतलब ज्यादातर पानी गंगा में साफ हो चुका है। और आपने कोई बताया ना कुछ हुआ नहीं, ये पानी बहुत साफ हुआ है, नहीं तो प्रधानमंत्री खुद वहाँ पे स्नान करने नहीं जाते थे। बहुत सारे आपने जो कई लोग जो कुंभ के लिए गया है कुंभ में बहुत सारे लोग स्नान किया, तो बहुत कुछ करना है। मैं अभी मानता हूँ बहुत कुछ करना है मगर बहुत अच्छा वहाँ पे पानी साफ हो चुका है। ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ये तो निर्मल गंगा की बात है बताया मैंने। ये देखो ये उत्तराखंड में हमने 36 प्रोजेक्ट्स उसमें 32 कंप्लीट हो चुका है, उत्तर प्रदेश में 53 प्रोजेक्ट से उसमें 29 कंप्लीट हो चुका है। बिहार की बात आपने किया, 20-30 प्रोजेक्ट शुरू किया था, 5 ही प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है, बहुत प्रॉब्लम है बिहार में काम करना कराना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी 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 शुरू हो गया पिछले कई साल से। बहुत वहाँ पर पटना में हमारे तरफ से मोर देन 8,000 करोड़ का काम चल रहा है, जो पुणे पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का काम है वो भी हम कर रहे हैं। मतलब उसका वहाँ पे जब मैं घर घर में टॉयलेट से कनेक्शन लेना किसका काम है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन काम है, वो नहीं करता इसलिए हम करते हैं। वहाँ पे पाइप डालना वो किसका काम है, हर जगह पे म्युनिसिपैलिटी करते हैं, कॉर्पोरेशन ही करते हैं, ये घर से टॉयलेट की गंदगी लेके आते हैं वो भी हम करते हैं, इसलिए बहुत दिक्कत आते हैं फिर भी हम कर रहे हैं। थोड़ा आज से चल रहे हैं, बहुत मुश्किल है वहाँ पे थोड़ा काम करना है, बट एनीवे
हो जाएंगे हम लोग के कामयाब एक दिन और झारखंड में आज जैसे हमने बताया साहिबगंज का एक जगह है वहीं पे काम हो चुका है और जो जैसे आपने बताया अगर हेल्थ डिपार्टमेंट काम ना करे तो मिशन गंगा का भी दोष नहीं होता। हमें स्थिति हम चला रहे एक ही है वो चल रहा है। वेस्ट बंगाल में भी देखिए आपने बहुत सारा 24 प्रोजेक्ट में दिन ही कम्प्लीट हो चुका है बट मैं आपको दावा कर सकता हूँ कि अगले 5-6 महीने में 12 एसटीपी कम्प्लीट हो जाएंगे। बहुत युद्ध काम हो रहे हैं 3 महीने में एक कम्प्लीट हो जाएंगे। मार्च तक हम अटलीस्ट 11 और कम्प्लीट कराएंगे। वहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि बहुत क्लोज्ड हाई पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, पाइप डालना मुश्किल है, हम पे काम करना बहुत मुश्किल है। तो ये दिक्कतें बहुत होते हैं। अगर हम हाली शहर में देखो वहाँ पे पॉपुलेशन है वहाँ कितने कचरा कच भरा हुआ है, पाइप डालने के लिए कोई करते नहीं। मेरे घर साफ होना चाहिए पर हम यहाँ पे खोदने नहीं देते, वही तो प्रॉब्लम। हमारा दिक्कत भी हम आपके सामने रखना चाहिए। एक बहुत 4 साल से चल रहे हर शहर वो काम अभी थोड़ा चल रहे हैं। हरियाणा में हम काम हो गया, दिल्ली में एक यमुना बहुत गंदा है हम उसमें भी फोकस कर रहे हैं। तो एक भी फोटोग्राफ से आपको दिखा रहे देखो मैं यही मेरा फोटो दिखाने के लिए ये दीनापुर एस टी पी वाराणसी का है, 50 ML एस टी पी रमना का है, मुरादाबाद स्टेट यूपी का है, आनंद शहर भी यूपी का है। ये सब कम्प्लीटेड प्रोजेक्ट है, इसका फोटोज है, कोई चित्र मैंने कोई तस्वीर अपने हाथ से खींचा नहीं, ये तो कम्प्लीटेड प्रोजेक्ट है। ये पट्टा में पहाड़ी जोन अभी कम्प्लीट होने वाले, एक हफ्ते में हो जाने वाले पहाड़ी जोन में, देन बेऊर वो भी अभी एक हफ्ता में कम्प्लीट पूरा हो जाएगी। तो ये हो गया, इसको पानी भर रहा है। ये गैशपुर एस टी पी है और कल्याणी एस टी पी है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन का अभी इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एफ्रूवल का भी हम उसमें कम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये घाट क्लीनिंग जैसे आपने बताया घाट कई घाटों में परिस्थिति बहुत खराब थे, हमने उसमें कई जगह में घाट क्लीन करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे तो ये काम स्टेट डिपार्टमेंट को करना है फिर भी हम कर रहे हैं, शौचालय बना लिया हमको। ये अभिराज गंगा, ये जैसे यहाँ पे अभिराज गंगा से देखो बहुत सारे डॉल्फिन्स अभी उभर के आ रहे हैं, 250 डॉल्फिन्स थे अभी 3000 से ज़्यादा हो गया। इसका मतलब है कि वापस आ रहे, क्वालिटी बढ़ रही है। तो 3000 डॉल्फिन्स अभी वापस आए हैं पिछले 4-5 सालों में। और जैसे फराका के बारे में आपने बताया, जैसे फिश के बारे में बताया था, ये ठीक है कि बारिश आने के बाद वो नीचे से फिश ऊपर आ नहीं सकते, हम अभी उसके लिए तकनीकी चला रहे हैं कि एक फिश लैडर बनाए, सीढ़ी बनाए ताकि ये फिश यहाँ से चढ़ के ऊपर से नीचे आए। देखो हम जब भी हम अननेचुरल कुछ करते हैं उसी का प्रभाव होता ही है। वैसे भाई साहब बताते हैं नेचुरल, हम तो हमेशा प्रकृति के अनुसार हमको जीना चाहिए। अगर उसमें हम कोई भी बाधा डाले, अभिराज गंगा फ्लोट कर रहा था, फराके में बारिश बनाया, इसका असर ये हुआ कि एक तो फिश ऊपर से नीचे आ नहीं सकते, इसलिए हम वहाँ पे सीढ़ी लगा रहे हैं, ये फिश यहाँ ऊपर छत की तरह जाए। और दूसरा आपने सिल्टिंग की बात की, सिल्टिंग बहुत होता है वहाँ पे, सिल्टिंग का अभी स्टडी उसमें कुछ कोशिश कर रहे हैं। ये वहाँ पे सिफरी करके एक संस्था से मिलके हिस्सा फिश को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी मेरे ख्याल में 1 या 2 साल में बहुत सारा हिस्सा फिश भी आ जाएंगे। ये तो हमारा डॉल्फिन है, बोट से टॉर्टिल है, जन पीपल को कनेक्ट कर रहे हैं। एक घाट सामने बताए, ये तो ये चालू चंडी घाट है हरिद्वार में है, एक क्रिमिटेरिया और घाट हमने पुराना और नया बनाया बहुत सारी चीज़ें। ये देखो पुराना कैसा था पहले अब कैसा है, एक देखिए गर्भ के उद्देश्य था पहले कैसा था अब कैसा है। ये तो भृगु आश्रम घाट बुलंदशहर का कैसे पहले था अब कैसा है। ये तो गंगा उन्नाव का घाट है,
काली प्रयागराज का काम है थोड़ा बहुत, और हमने पीपल को कनेक्ट करने के लिए गंगा रन किया था, आमंत्रण गंगा रन किया था, गंगा आमंत्रण करके ऊपर से नीचे फ्लाई किया था, गंगा उत्सव कर रहे ये सब 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 चीज़ें गंगा ध्यान यहाँ पे गंगा ध्यान जितने भी सिटीज को मैपिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ से कितने गंदगी आ रहे हैं उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ये अर्थ का गंगा का कंसेप्ट जैसे मैंने बताया, ये टूरिज्म ये गंगा नशे सब रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये है हमारा मेन इंटरवेंशन। तो और दो तीन पॉइंट्स करके मैं बंद कर लूँगा। इसमें आप देखते हैं कि हम सबको मिलकर काम करना है। अभी इसमें सबसे बड़ा इशू है कि ये गवर्नमेंट का काम है, और जब हम गवर्नमेंट का काम आता है कि 100% फंडिंग गवर्नमेंट के फंडे करते हैं तो स्टेट बोलते हैं कि ये हमारा काम नहीं आपका काम, वही हमारा प्रॉब्लम आ जाता है कि हम गवर्नमेंट बोलते हैं कि 100 के 100 रुपये केंद्र की सरकारी खर्च करेंगे, तो स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं कि तो हमारा कोई मतलब तुम जितने मर्जी कर लो कर ले। जब तक हम उनका एक पैसा 10 पैसे इसमें आए वो भागीदारी नहीं बनता, वो एक इशू। सेकेंड, जैसे आपने बताया किसी ने बताया वो गंदा पानी आ रहा है। गंदा पानी कहाँ से आ रहा है? हम तो यहाँ से दिल्ली से बैठ के गंदा पानी वहाँ नहीं भेज रहे, वहाँ का ही पानी आ रहा है। तो वहाँ का पानी आपकी पॉलिसी के चलते आ रहा है ना, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है ना, बता दो। प्लांट नहीं चल रहा है, प्रोसेसिंग प्लांट नहीं चल रहा है ना, अपने जिम्मेदारी से नहीं भाग रहा हूँ, बट हम सबको मिलकर काम करने में बता रहा हूँ। yes. क्योंकि ये गंदगी अगर आप भेज रहे हैं उसी को कम रोकने की कोशिश करना है। ये साहिबगंज का आपने बोला ना, वहाँ पे हमारा एसटीपी चल रहा है, वो साहिबगंज का एसटीपी चल रहा है, वहाँ पे अच्छा पानी भी आ रहा है। मैं का पानी वहाँ पे चल रहा है, हमारा सबसे बड़ा दिक्कत बिहार से होता है, बिहार में थोड़ा काम नहीं हो रहा है, तो अभी कुछ हो रहा है, बट मैं एक मिनट। तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि अभी हम एक नया प्रयोग करने की कोशिश कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट गंगा कमेटी, मतलब जिला में डिस्ट्रिक्ट कमेटी। जैसे हम अभी दिल्ली में बैठे हैं, स्टेट में बैठे हैं, हम सोच रहे हैं कि जिला में एक डिस्ट्रिक्ट कमेटी हो। डिस्ट्रिक्ट कमेटी में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रहेंगे, आप सब भी जुट जाएंगे उससे। मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सब उसमें जुट जाएंगे और उसी से काम करवाइए, बिकॉज ये लोकल इशू है, लोकल इशू का लोकली समाधान होना चाहिए। पैसा की कोई कमी नहीं, कैसे आप दे देंगे? पैसा देने के बावजूद भी वहाँ पे काम कराना, वहाँ से उसको देखभाल करना, मेंटेन करना, तो हमारा लोकल जिम्मेदारी बनता है। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि मैं अगले महीने से April 1st से एक नया प्रयोग कर रहा हूँ, हर महीने में डिस्ट्रिक्ट गंगा कमेटी का मीटिंग एक ही दिन में होना चाहिए। अभी तक मीटिंग करता ही नहीं, मैं अभी उसको आदेश दिया कि हर तीसरा सैटरडे या 14 सैटरडे जो भी एक दिन आप अपनी मर्जी स्टेट के लिए तय करें, उसी दिन मीटिंग होना ही होना है। जो अगर डीएम आए ना आए हमको मतलब नहीं है, आप लोग जिसमें कमेटी के मेंबर है आप मीटिंग करके उसमें कम से कम निगरानी तो रखें। ये तो हमारे निगरानी तो रखें, आपको पता है कि काम नहीं हो रहा, ये काम नहीं हो रहा उसका सुझाव भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि काम नहीं हो रहा है इसमें हमारी जिम्मेदारी नहीं है, काम कैसे करना है, कैसे चेंज कर रहे हैं, उसी के लिए डिसेंट्रलाइज्ड सॉल्यूशन के लिए हम कर रहे हैं। वेबसाइट पोर्टल भी दे रहे हैं, आप वहाँ पे आपको डाल दीजिए, उसका आपका जिम्मेदारी और रिप्लाई देने का जिम्मेदारी हमारा है। वो हम एक एक प्रयोग कर रहे हैं, देखो उसमें अगर अच्छा निकलेगा तो समाधान का समस्या हो जाएगी। और आपका इको सेंसिटिव जोन की बात है, ये ठीक है कि आप उसी एरिया में प्रॉब्लम है, तो उसमें मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने आपको मालूम है वो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने हमारे तरफ से हमने मना करके रखा था, और 7 प्रोजेक्ट्स जो पहले चल रहे आ रहे उसी को 3-4 को रोक दिया था, और 7 को हम बोल रहे थे 50% से ज़्यादा है तो उसको कंप्लीट करने के लिए इजाज़त दी थी, बाकी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बंद करके रखा है। हाँ मैं आपसे डिस्कस करूँगा, बट ये प्रॉब्लम है सर, गवर्नमेंट में लेफ्ट एंड राइट एंड दो चीज़ें ना, एक तो मंत्रालय हमारा मंत्रालय बोलते हैं कि इसको रोको, और दूसरा एक मंत्रालय बोलते थे कि इसको परमिशन दे दीजिए, यही तो प्रॉब्लम आ रहा है। तो इस सरकार की
क्योंकि उत्तराखंड सरकार सोचते है कि हम उसी से, जैसे आपने बताया घर की कमाई होनी चाहिए करके वो कर रहे माइनिंग कराने के लिए। ये थोड़ा जटिल समस्या है, उसमें कोशिश अभी परसों ही मीटिंग हुआ तो उसमें कोशिश करेंगे, कुछ करेंगे उसमें। हम इससे कई कई चीजों का नोटिस भी दे चुके हैं पिछले महीने में, दो तीन दिन because it is, see the problem is if I give you some 100 rupees and you say please do it, if you are not putting any effort or money you don't feel responsible for it, so why the problem here? So that's why this third party intervention sort of third party is bahut bada chali, no that's why we didn't have the undertaking, yes exactly, that's what that is what we are trying to get. So please push it there at the state level. So we have sanctioned so much, you are telling us we have sanctioned so much of SCP project there, it's not getting completed there. We have problem in West Bengal because there are local issues also there. Antara Acharya madam is the best one and she is doing very good. No, she has started only recently, otherwise the last 3-4 years she was not doing. Now she has started doing something, yeah. She has started pushing. Yes, yes. That's, probably that's why you have pushed maybe. I know last 2 years things are moving, otherwise things are not moving there. I'm sharing on the videos and all because we have started working. Exactly. In March. Your pressure only can get it to at the local level, yes. Because we can sanction projects and give it, we can give money to them, getting it done at the local level. So this is our sabse bada problem hai. What will happen is that will be the open house. Thank you. Thanks a lot. I thought I'll cover so many things. Thank you. Thank you very much.